हेलो नमस्कार, कैरी ऑन जट्टा 3 बॉक्स ऑफिस पे ज़बरदस्त ओपनिंग लेने में कामयाब हुई है। गिप्पी गरेवाल और सोनम की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में कमाल कर दिया है। सिर्फ पंजाब में ही नहीं, आउटसाइड पंजाब में भी इस मूवी का कलेक्शन जो है वो बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया से इस मूवी ने एक बड़ी ओपनिंग ली है और ओवरसीज़ के नंबर्स जो सामने आए हैं वो बॉलीवुड मूवीज़ को भी पीछे कर रहे हैं। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैरी ऑन जट्टा 3 ने ऑल टाइम रिकॉर्ड बना दिया है और कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है वो भी बताऊंगा। फर्स्ट डे में एग्जैक्ट मूवी का कलेक्शन कितना रहा है और अब मूवी से क्या उम्मीदें हैं लाइफ टाइम कलेक्शन के लिए, चलिए बात करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, ये है कैरी ऑन जट्टा के ऑफिशियल फिगर्स। कैरी ऑन जट्टा 3 बॉक्स ऑफिस पे सुपर्ब रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही है। ऑल रिकॉर्ड्स फॉर पंजाबी फिल्म्स एज इट कलेक्टेड अराउंड 4.50 करोड़, यानी कि 4.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है मूवी ने, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल ऑफ एनीथिंग द इंडस्ट्री हैज़ सीन बिफोर। तो ये फिल्म जितनी भी मूवीज़ आज तक रिलीज़ हुई है उनसे डबल कलेक्शन करने में कामयाब रही है पहले दिन में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक टिपिकल इस मूवी का जो फार्मूला है कॉमेडी के साथ साथ कहीं ना कहीं जो फैमिली ड्रामा इस मूवी में चलता है वो हमें देखने को मिला। लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, पसंद किया। और अगर हम हिंदी मार्केट की बात करें तो वहाँ से भी मूवी को बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। जहाँ एक तरफ पेंडेमिक के बाद कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा है ये समय, और उसी तरह हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड जो है थोड़ा सा पीछे रहा है, लेकिन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा गेन कर रही है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, कैरी ऑन जट्टा 3 ने इंडिया में तो ज़बरदस्त कलेक्शन किया है पहले दिन में। अगर हम बात करें तो मूवी इस पंजाब से रेगुलर मूवीज़ जो होती हैं वो 3 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करती है, लेकिन इस मूवी ने वहाँ पर भी 3.50 करोड़ का कलेक्शन किया है। और अगर हम बात करें 50 लाख के आसपास का मूवी का रेगुलर कलेक्शन होता है आउटसाइड, लेकिन वहाँ पे भी इस मूवी ने जैसे कि 70 लाख का कलेक्शन कर लिया है दिल्ली यूपी अलोन, 30 लाख के आसपास का रेस्ट ऑफ इंडिया से कलेक्शन कर लिया है। तो ये बड़ी बात होती है कि एक पंजाबी मूवी कितनी बड़ी फ्रेंचाइज़ हो गई, इतना बड़ा नाम हो गया कि हिंदी मार्केट में भी लोग इस मूवी को देखने के लिए थिएटर्स में जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ओवरसीज़ मार्केट की। मैं आपको बता दूं कि ओवरसीज़ में तो पंजाबी मूवीज़ का दबदबा रहता ही है, खासकर कनाडा में, और कनाडा ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह है जहां पे ये मूवीज़ देखी जाती है। द ओवरसीज़ रिज़ल्ट विल बी ह्यूज एज कनाडा विल बी फिनोमिनल एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ क्रॉस्ड 1 लाख US डॉलर्स कलेक्शन, यानी कि 1 लाख US डॉलर से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है ऑन डे वन थर्सडे एंड इज़ 5 टाइम हायर देन सत्य प्रेम की कथा, जो बॉलीवुड मूवी है उससे कम 5 गुना ज़्यादा ये कलेक्शन है। द फर्स्ट डे वॉज नेशनल हॉलीडे सो दैट हैज़ हेल्प्ड कलेक्शन, बट ए फिल्म लाइक दिस कैन डू विदाउट एन हॉलीडे ऑल्सो। ये मूवी अब अगर हम बात करें तो जो मूवी का इंडिया का टारगेट रहने वाला है कलेक्शन का वो लगभग 40 से 50 करोड़ का बताया जा रहा है, लेकिन हाँ ये डिपेंड करेगा अभी वीकेंड जो आएगा और वीकडेज में कि मूवी कितना मेंटेन करके रखती है, सस्टेन करके रखती है। अगर हम ओवरऑल अभी बात करें पहले दिन की तो कैरी ऑन जट्टा 3 का कलेक्शन रहा है 4.50 करोड़। अभी ऑफिशियल फिगर्स आने बाकी हैं ओवरसीज़ के भी, तो जब वो इसमें ऐड होंगे तो मुझे लगता है ये कलेक्शन थोड़ा बहुत और इनक्रीज़ होने वाला है। इस साल 2023 की दूसरे नंबर पे मूवी है हौसला रख 2.53 करोड़। अगर आप कंपेयर करेंगे हौसला रख को कैरी ऑन जट्टा 3 से तो आपको ये नंबर्स जो है वो डबल नज़र आएंगे। फिर आती है शड़ा कैरी ऑन जट्टा सरदार जी। वेल, आपको क्या है कहना इस अपडेट के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।